सो हे गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। गाइज, आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे हमें इंस्टाग्राम रील्स पे वीडियो अपलोड करना है। क्रिएट से लेके अपलोडिंग तक पूरा मैं आपको डिटेल्स में बताने जा रहा हूँ कि कैसे हमें इंस्टाग्राम रील्स पे वीडियो को क्रिएट करना है एंड अपलोड करना है, कैसे हमें फिल्टर यूज करना है, कैसे हमें सॉन्ग को यूज करना है, पूरा मैं आपको लाइव प्रूफ बताने जा रहा हूँ। तो गाइज, जैसा आप सभी को पता होगा कि अभी इस समय देखा जाए तो ट्रेंडिंग में चल रहा है इंस्टाग्राम रील्स, जिसपे काफ़ी ज़्यादा लोग वायरल भी हो रहे हैं। तो अगर आप भी चाह रहे हैं कि इंस्टाग्राम रील्स पे वीडियो बनाएं, तो आप भी क्रिएट कर सकते हैं वीडियो, वहाँ पे आप शॉर्ट वीडियो बना सकते हैं। जैसा आप सभी को पता होगा कि अभी यूट्यूब ने भी लॉन्च कर दिया है यूट्यूब शॉर्ट वीडियो, जिसपे आप वहाँ भी वीडियो बना सकते हैं। बट अभी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अभी जो पॉपुलर चल रहा है, तो अभी प्रेजेंट टाइम पर अभी इंस्टाग्राम रील चल रहा है, जिसपे काफ़ी ज़्यादा वीडियोज जो हैं वायरल हो रहे हैं, और वहाँ बहुत चांसेस हैं वायरल होने का एंड ग्रो होने का वहाँ पर, और वहां से आप फैन फॉलोइंग आप ज़्यादा बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो पे मैं आपको पूरा लाइव प्रूफ बताने जा रहा हूं, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉचिंग कीजिएगा, इसकी मत कीजिएगा, ताकि आपको वीडियो पूरा समझ में आ सके। तो चलिए, वीडियो को देरी नहीं करते हुए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं, मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर आ चुका हूँ। गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर आ जाना है एंड उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा रील्स का, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहां पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी जो रील्स वीडियो है यहां से चालू हो जाएंगी। यहां आपको क्या करना है, अगर आपको इस साउंड को अगर यूज करना है, वीडियो रिकॉर्ड करना है, तो आप यहां पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहां पे क्लिक करेंगे तो साउंड चालू हो जाएगा एंड इसके बाद यहां पे यूज आइडो करके ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर नीचे, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप यहां पे क्लिक करेंगे तो यहां से आप इस साउंड को यूज करके आप वीडियो को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको अपने साउंड को यूज करना है, ओरिजिनल साउंड को, तो आपको क्या करना है, यहां पे कैमरा का ऑप्शन मिलेगा, यहां आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहां पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, म्यूजिक पे सिलेक्ट करना है, यहाँ पर क्लिक करना है। म्यूजिक पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से जो ट्रेंडिंग में म्यूजिक चल रही है, तो आप ये म्यूजिक को आप यहाँ से यूज कर सकते हैं सिलेक्ट करके। एंड यहाँ से अगर आपको सर्च करके म्यूजिक को सिलेक्ट करना है, तो आप यहाँ से म्यूजिक को सर्च भी कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे बैक आते हैं और इसके बाद यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा सिगन स्पीड का, यहाँ से आप स्लो मोशन और फास्ट मोशन यहाँ से आप वीडियो को शूट कर सकते हैं। आप यहाँ से वीडियो की स्पीड आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा फ़िल्टर का, यहाँ आप फ़िल्टर यूज कर सकते हैं वीडियो पे, इफ़ेक्ट जो भी आपको लगाना है। यहाँ से आपको ट्रेंडिंग से इफ़ेक्ट्स मिल जाएंगे, यहाँ से आपको जो रील्स में चल रहे हैं इफ़ेक्ट्स वो मिल जाएंगे। आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं यहाँ से सर्च करके, तो ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको टाइमर का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से आप टाइमर भी सेट कर सकते हैं वीडियो पे। तो यहाँ पर आप टाइमर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से 3 सेकंड, 10 सेकंड आप यहाँ से टाइमर को सेट कर सकते हैं। इसके बाद गाइस, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा गैलरी का, यहाँ से आप क्लिक करके आप जो वीडियो रिकॉर्ड किए हैं पहले से ही, आप वीडियो को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से अपनी वीडियो को जो पहले से शूट किए हैं, तो उसको अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे तो ये हमारा चालू हो जाएगा वीडियो, वेट होना। यहाँ से आप ऐसे यूज करेंगे तो यहाँ से जूम आउट इन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये रिकॉर्ड हो गया वीडियो। इसके बाद यहाँ प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ से आप इस वीडियो को यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, तो आप इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप आइडियो को कंट्रोल कर सकते हैं, अलग से अगर आपको आइडियो को ऐड करना हो तो आप यहां से आइडियो को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहां से अगर आपको वॉइस ओवर देना है वीडियो पे, कहीं भी अगर आपको बोलना है कुछ वॉइस ओवर देना है वीडियो पे, तो आप यहां से वॉइस ओवर भी दे सकते हैं। इसके बाद यहां आपको ऑप्शन मिलेगा फ़िल्टर का, यहां से आप फ़िल्टर को फिर से आप चेंज कर सकते हैं, अगर आपको चेंज करना हुआ फ़िल्टर को। इसके बाद यहाँ आपको मिल जाएगा स्टिकर का ऑप्शन, यहाँ से आप बहुत सारे स्टिकर्स आपको मिल जाएंगे, यहाँ से आप सर्च करके भी आप स्टिकर को यूज कर सकते हैं वीडियो पे। इसके बाद यहाँ पे आपको अगर कुछ लिखना हुआ वीडियो पे, तो आप वीडियो पे यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से आप वीडियो पे कुछ भी आपको अगर लिखना हुआ टेस्ट को,
आप यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से आप सेट भी कर सकते हैं कितने सेकंड में मुझे वीडियो पे रखना है ये, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद ये मैं डन कर देता हूँ। एंड इसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा शेयर टू, यहाँ पे आपको क्या करना है, शेयर टू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे शेयर टू पे क्लिक कर देंगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ से आप कवर चेंज कर सकते हैं वीडियो का। अगर आपको कवर यूज करना है गैलरी का, तो आप यहाँ से एड फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करके आप गैलरी से भी कवर का यूज कर सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो का कवर यूज करना है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, राइट एक ऑप्शन ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको जो वीडियो का टाइटल है आपको यहाँ पे लिखना है। एंड इसके बाद आपको यहाँ 5-6 टैग्स लगाने हैं, जो ट्रेंडिंग में टैग चल रहे हैं वो आपको सर्च कर लेना है। एंड आपको यहाँ पे हैशटैग लगाने हैं। इसके बाद यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ से आप किसी पर्सन को आप टैग भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे शेयर पे क्लिक कर देंगे, तो ये जो आपकी वीडियो है ये पब्लिक हो जाएगी, शेयर हो जाएगी। सो गाइज, आई होप कि आप सबको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। इन गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको मेरे से आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और अगर हाँ गाइज, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आईडी में डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, एंड आप मुझे वहाँ से जाके फॉलो कर सकते हैं। आपका कुछ भी क्वेरीज रहेगा, कुछ भी क्वेश्चन रहेगा, तो मैं इंस्टाग्राम पे आपसे संपर्क कर लूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।